गुड इवनिंग। क्या नाम है इसका? हाँ चलो शुरू करते हैं। पटक्कू की सूझ। एक पटक्कू बड़े तेज थे। तेज थे मतलब बड़े पढ़ाई में सबसे टॉपर थे। हाँ तर्क शास्त्र पढ़ते थे। तर्क शास्त्र का मतलब रीजनिंग। जैसे कोई भी गलती तुम लोग करते हो तो मम्मी कितना भी बोल दे कि ये गलती तुमने किया है, लेकिन तुम लोग तर्क शास्त्र में इतने अच्छे हो कि लपेट ही लेते हो कि नहीं मम्मी ऐसे हो गया था, वैसे हो गया था, ऐसे हो गया था। वो होता है हमारा तर्क शास्त्र, ठीक है, जहाँ रीजनिंग करने की हमारी क्षमता होती है किसी भी अच्छे या बुरे चीज के लिए, ठीक है। एक पटक्कू बड़े तेज थे, तर्क शास्त्र पढ़ते थे, ठीक है। जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। जहाँ कोई बात नहीं वहाँ क्या करते थे? अपनी बात, नई बात लगा लेते थे। एक रोज वे बड़े फिक्र में समझ नहीं कुछ पाए। बैल घूमता है कोल्हू में कैसे बिना चलाए। बैल को जब तुम चलाते नहीं हो तो कोल्हू में गोल गोल वो कैसे घूम रहा है। कई दिनों तक सोचते रहे, मालिक बड़ा गजब है। सीखा बैल को रखा इसने, निश्चित कोई ढब है खाया उसने, ठीक है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने, ऐसे अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद यह कैसे। मालिक से पूछा कि देख तुम्हारे बैल तो तुम जब उसको लगा देते हो कोल्हू में तो तुमने बैलों को तो सिखाया नहीं कैसे गोल 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 घूमना है या काम जो करना है कैसे करना है, लेकिन वो बैल तुम्हारे कैसे कर लेते हैं ये भेद हमको, ये राज हमको तुम बताओ। कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता खरा हो या पागुर करता है। खरा हो पागुर, पागुर समझते हो? नहीं समझते पागुर? नो। क्या होता है पागुर? पीयूष व्हाट इज पागुर? पागुर नहीं समझता? गांव जाओ, गांव में पागुर करते हुए बैल गाय मिलेंगे, आम 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 करते रहते हैं, मुँह चलाते रहते हैं, समझ रहे पागुर कैसे करते हैं? मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बरी है। मालिक ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक परी है। जैसे घंटी बजाना है तो पकड़ पकड़ करते रहते हैं, ठीक है। जब तक यह बजती रहती है मैं न फिक्र करता हूँ, हाँ जब बजती नहीं दौड़ कर तनिक पूंछ धरता हूँ। ये जब बज रही है तो मैं समझता हूँ सब ठीक है, वो चल रहे हैं, लेकिन जब नहीं बजता तो मैं जाके उसकी पूंछ को ऐसे हिलाता हूँ, फिर वो करने लगते हैं, ठीक है। कहा पटक्कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। सोच समझ अर जाए कि देखो ज्यादा होशियारी मालिक आपने कर ली, लेकिन अगर बैल को किसी दिन गुस्सा आ गया, उसने सोच लिया कि आज हमको नहीं मानना इस मेरे मालिक की, तो क्या होगा? चले नहीं बस खरा खरा गर्दन को खूब हिलाए, कि वो चलेगा नहीं और खरे खरे ही ऐसे मुंडी हिलाते रहेगा। अभी तो क्या करे, अभी तो चलते चलते मुंडी हिला रहा है ना, फिर वो किसी बात पे अड़ गई तो क्या करेगी, करेगा बैल बिना चले गर्दन हिलाता रहेगा, घंटी टुन टुन खूब बजेगे, तुम ना पास आओगे और इतना जोर जोर से अपना गर्दन हिलाएगा कि तुम भी डर के उसके पास नहीं आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। और अगर वो नहीं चला बैल तो शाम तक जो तुम काम के लिए उसको कोल्हू में रखे हो तेल निकालने के लिए, क्या निकाल पाओगे तेल? नहीं निकाल पाओगे। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पटक्कू जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहाँ पर वही इसे फैलाओ। मालिक ने कहा कि भाई मेरे, मेरा माथा मत खा, तू मेरा माथा मत खा और यहाँ से निकल, और जहाँ तुमको ज्ञान देना है ना मुझे छोड़ के और कहीं ज्ञान जाके दे दो। यहाँ सब भी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है। यहाँ पे मेरा बैल और मैं बहुत अच्छा से हूँ। तुम ये जो सोच रहे हो ना, ये तुम्हारी गलत फहमी है। बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है।